हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप इस वीडियो में टॉप साइंस एमसीक्यूज देखने वाले। तो दोस्तों, टॉप विज्ञान प्रश्न उत्तर को देखने के लिए मेरे वीडियो तक, यानी इस वीडियो के अंत तक देखते रहें, क्योंकि बहुत ही सामान्य और नए नए प्रश्नों को जो लाया गया दोस्तों, तो बहुत ही रोचक प्रश्नों के साथ जो है फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। और सभी से आग्रह है कि लाइक करें और लाइक बटन को दबाएँ और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉप विज्ञान प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है कि शाकाहारी माताएं, समझ रहे होंगे कि वेजिटेरियन माताएं जो जिनका बच्चा होने वाला होता है, खासकर उन्हीं से रिलेटेड है ज़्यादातर जो है ये बात। देखिए, इनमें कौन से विटामिन की जो कमी होने की संभावना अधिक होती है, खासकर ऐसे समय में जब वो माँ बनती हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो आंसर हमारा हो जाएगा वो है विटामिन B12। हालांकि दोस्तों, यहाँ दोस्तों वैसे विटामिन B12 जो है कोवाल्ट में पाया जाता है, लेकिन जो मांसाहारी माताएं उनमें ये कमी जो है रहने की कम संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2 है कि हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हालांकि हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, तो हेपेटाइटिस बी के किसके कारण होता है, देखिए ये आंतरितर मार्ग के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3 में, देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है, ऐसा विटामिन जो कि आयरन के अवशोषण करने में सहायक होता है, और वो कौन सा है, तो देखिए ये है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है कि छोटी चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जो है, जिसको छोटी माता भी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, की संक्रामकता कितने दिनों तक रहती है, और आंसर इसका दोस्तों ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है, ठीक है। तो लोग जानते भी हैं, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, हालांकि दवा जो है उचित मात्रा में लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5 है कि थायमिन की कमी आमतौर पर किसके कारण होती है, और दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। 4-3 और ऑप्शन है। तो देखो, लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल के सेवन अधिक किए जाने पर, जो कि बहुत पसंद आता है, सुंदर सुंदर जब साफ साफ दिखता है चावल, तो खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से, और बाद में जो चावल जब पक जाता है उसके बाद जो अतिरिक्त जो पानी बचता है, यानी कि जो इसको हिंदी में माड़ भी बोलते हैं कई जगह कई राज्यों में, तो उसको फेंक देने के से, तो एक्चुअली जाहिर सी बात थायमिन जो है माड़ में भी पाया जाता है। तो देखिए, ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। प्रश्न जो है 6 नंबर पर आते हैं कि नवजात शिशुओं में, यानी जिनका जन्म तुरंत हुआ है, उसमें DPT लगाने का अनुशंसित स्थान क्या है। दोस्तों, मांसपेशियां जाहिर सी बात है जब नवजात बच्चों में जो है सही कहीं से में जहां मांस होता है वहीं लगता है, जाहिर सी बात है मांसपेशी। तो देखिए, यहां कई तरह के हैं, जैसे अग्रबाहु, जांघ का पास भाग यानी अगला हिस्सा, देखिए ग्लूटियल पेशी और डेल्टॉइड। तो आंसर है इसका डेल्टॉइड पेशी में जो है DPT का टीका लगता है। तो ये डॉक्टर, खासकर डॉक्टर ही देते हैं, और या प्रशिक्षित नर्स द्वारा लगवाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न इनमें से कौन एक जो है आवश्यक वसा अम्ल है, ठीक है, और इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा लिनोलेनिक अम्ल, ठीक है। नाम थोड़ा सा पहला बार सुना हुआ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 8 है कि भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है क्या। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है, तो खाना के चबाने के बाद जब है निगलने का समय आता है, तो जो निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देख दोस्तों, ये स्वचालित प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, शरीर के बहुत सारा काम जो अच्छी होता है अनैच्छिक होता है, ठीक है, यानी अपने मन से उसको रोक सकते हैं, या कुछ ऐसे काम है जिसको रोक नहीं सकते हैं, अब करना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही है। तो देखिए, स्वचालित प्रक्रिया कहते हैं इसको, भोजन निगलना, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी निगलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 की इनमें से कौन सा रोग जो है आक्रमण के बाद, यानी कि बीमार होने के बाद भी जीवन पर्यंत जो है प्रतिरक्षा दे जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो दोस्तों, ये देखिए आंसर जो हमारा इसका हो जाएगा टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो कि बाद में हो जाने के बाद भी जो है अगर ठीक हो जाते हैं तो जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है कि विटामिन ई मुख्य रूप जो वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता क्या होता है। तो देखिए, ये विटामिन ई में जो होता है वो है एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, और दोस्तों विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई वसा या कार्बनिक घोल में जो है घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा विटामिन ए डी और के जो है वो भी वसा में घुलने वाले होते हैं, जबकि जल में घुलने वाले विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर में कि
प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद वसा, उसके बाद देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बहुत मुख्य भोज्य पदार्थ है, को कभी कभी क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको निकटस्थ मूल तत्व कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग जानते हो कि जो क्षय रोग सिर्फ क्षय रोग में प्रभावित जो होता है वो फेफड़ा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फेफड़े के अलावा भी बहुत सारे जो शरीर के अंग होते हैं वहाँ जो क्षय रोग हो सकता है। खैर इसका आंसर देखिए दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी केस कहलाता है, अन्य अगर रोग शरीर के अन्य हिस्से में अगर क्षय रोग हो जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 13 नंबर में कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या विब्रियो कॉलरी की पहचान किसने किया था। देखिए रॉबर्ट कोच ने 1882 में इन्होंने किया था, ठीक है, टीबी और जो हजा है इसका, तो इसी को विब्रियो कॉलरी यहाँ लिख दिया गया है हालांकि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 14 है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब जो है सूत्रबद्ध यानी सबसे शुरुआत किया गया था, बनाया गया था, तो साल 1983 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आयरन की कमी, खासकर महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है, तो आयरन कमी होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में, जब आयरन कमी होती है तो रोग जो होता है वो एनीमिया कहलाता है, तो क्या होता है। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, यानी कि उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन 3 है, निढालता, बेचैनी और कार्य छिन्न कार्य प्रदर्शन होता है, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी और माता और प्रसव पूर्व जो है मरणशीलता यानी मृत्यु दर बढ़ जाती है, रुग्णशीलता में भी बढ़ोतरी हो देखी जाती है। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। दोस्तों दूषित जल के सेवन से जो होता है हजा होता है, जिसे खोज रॉबर्ट कोच ने किया था 1882 में, और विब्रियो कॉलरी जिसके लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न 17 है कि ईसीजी, ठीक है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। तो देखिए ये हृदय, ठीक है, हृदय यानी कि ईसीजी यानी हृदय की कमजोरी को पहचानने के लिए किया जाता है, यानी हृदय रोग किसी को हो जाता है तो ईसीजी सबसे पहले डॉक्टर करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि पत्तियों व पौधों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कहलाता जो है क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, 18 का डी, क्षमा करेंगे बी हो जाएगा, डी गलती से। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है 19 है कि सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है, तो एसेटिक अम्ल है सिरका में पाया जाने वाला अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर इसके लिए जो वाहक होती है, तो मलेरिया की दवा जो है जिसका नाम कुनेन है किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। दोस्तों ये सिनकोना है जिसकी छाल से कुनेन दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर में कि घरेलू विद्युत उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया जाता है। तो देखिए ये जो है जो गलनांक विद्युत यानी मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो है इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। देखिए ये विभवांतर, ठीक है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओजोन परत किसे रोकती है। ओजोन परत है दोस्तों ये पारा बैगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण को जो है रेस को जो है रोकती है ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है। तो देखिए प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये प्रश्न ये भी बन जाए आप ध्यान रखेंगे, और दूसरा इसका काम जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है, रक्त के अंदर। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 है कि हैजा रोग जिसको रॉबर्ट कोच ने खोजा था 1882 में, विब्रियो कॉलरी जो है इसके लिए जो जीवाणु है, में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। देखिए प्रभावित होने वाला अंग जो है आंत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण, ठीक है, यानी कि इक्विपमेंट्स क्या कहते हैं। देखिए सौर सेल कहते हैं, सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा आंसर है इसका। देखिए प्रश्न नंबर 27 है कि पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्या है। तो देखिए वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों एक बात और कि अगर मैं प्रश्न जब लाता हूँ तो आप उसका आंसर पहले देख सोचे समझे कि क्या आपको आता है नहीं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो आंसर आ ही रहा है। प्रश्न देखिए 28 नंबर में कि तांबा, ठीक है, तांबा यानी कॉपर उष्मा और विद्युत का क्या है। तो देखिए ये सुचालक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि किस विधि से, ठीक है, किस मेथड द्वारा जो दही जो है, दही अंग्रेजी यहाँ लिखा हुआ, और दही से मक्खन निकाला जाता है। देखिए और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अपकेंद्रण, ठीक है, अपकेंद्रण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि इलेक्ट्रिक
आयरन द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, यानी परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों ये ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है प्रकाश के लिए अपारदर्शी, यानी ऐसा वस्तु जो जिससे आर पार होकर जो है प्रकाश नहीं जा सके, ठीक है? तो ये लकड़ी है, यानी इसके लकड़ी के आर पार प्रकाश नहीं जाती है, जबकि शुद्ध पानी शीशा हवा में ये प्रकाश जो है एक छोर से दूसरे छोर जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि दूध का दही में परिवर्तन यानी बदलना क्या, कौन सा परिवर्तन है? देखिए ये केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र का वह भाग, ठीक है, नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को जो है नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? देखिए ये कहलाता है आयरिस, ठीक है। नेक्स्ट जो कि आंख का एक महत्वपूर्ण भाग है आयरिस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 734 है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? और इसका आंसर है दोस्तों गलनांक कहलाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है 34 नंबर में, कितने माप से अधिक ध्वनि को जो है शोर यानी कि हल्ला उल्ला जिसको कहते हैं या नॉइस अंग्रेजी में कहा जाता है का नाम दिया जाता है? तो 80 डेसिबल से ऊपर को, ठीक है, जो है शोर या नॉइस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 36 है कि रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको सेरी कल्चर कहते हैं, रेशम के कीड़े को पालने को जो है जो कहा जाता है उसे सेरी कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर के, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष जो होता है दोस्तों हमेशा डंक में होता है, ठीक है, डंक अगर तोड़ दिया जाए तो बिच्छू वह मतलब कुछ नहीं, उससे कुछ हानि नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न जो है ऑक्टोपस एक है क्या है? तो ऑक्टोपस जो एक दोस्तों मृदु कवची होता है, ठीक है, ऑक्टोपस। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है 39 नंबर में कि निम्न में से कौन जो है एक मीन, यानी कि मीन का मतलब मछली होता है? और आंसर है दोस्तों ये जो चार ऑप्शन है इसमें जो आंसर हमारा हो जाएगा वो फ्लाइंग फिश जो है एक मछली है, ठीक है, जबकि नाम ही बाकी सब नाम के हैं लेकिन मछली नहीं है, फिश नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 40 नंबर में कि जल से बाहर निकाले जाने पर जो है मछली यानी कि फिश जो है क्यों मर जाती है? तो दोस्तों वे सांस नहीं ले पाती है इस वजह से ये मर जाती है। वो सामान्य सा प्रश्न था लेकिन फंसाने के लिए अगर ऑप्शन दिया जाता तो बहुत सारे जो तेज विद्यार्थी रहते हैं जाहिर सी बात है जो आंसर को जो है थोड़ा सा जानबूझकर जो है अलग से टिक लगाते हैं, ऐसा होता है, इसलिए कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी रहते हैं आपकी परीक्षा में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो जो बल लगता है उस बल का नाम है दोस्तों अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 42 नंबर में कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों होता यह है कि इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को जो है अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, ठीक है, और आंसर इसका बी, यानी जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को भार अधिक मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, कहाँ? तो देखिए लिफ्ट जब त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का कितना भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? और आंसर है 1/6 भाग, यानी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न है 40 नंबर, रासायनिक उर्वरक जिसका नाम है नाइट्रोलिम में कौन से घटक हैं? और इसका आंसर है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन, ये दो घटक है नाइट्रोलिम में। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला जिसको अंग्रेजी में यानी या आमतौर बोलचाल में जो है एयर बैग ही कहा जाता है में क्या भरा होता है? तो देखिए सोडियम, सब जगह सोडियम तो है ही, और इसका आंसर जो है सोडियम एंजाइड, तो सोडियम एंजाइड भरा होता है। तो देखिए बहुत ही सभी जगह रहता है आजकल आधुनिक महंगे कारों में इस तरह के जो है एयर बैग्स की जो है सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 48 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है किसी तनु अम्ल से जो है हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता है, ठीक है,
और ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तांबा। ठीक है, तांबा ऐसा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 49 की, जब एक क्षार जो है धातु से अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है उत्पन्न होती है, और इसका आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। ठीक है, एक क्षार जब धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि एंगुलर एस्टोमटाइटिस, फिर है ग्लोसाइटिस और चेलोसिस किसकी कमी के कारण होता है। देखिए ये जो होता है राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है ये। थोड़ा सा इसका हिंदी नाम भी जान लेते हैं, देखिए कौन कौन सा जो है। तो देखिए एंगुलर एस्टोमटाइटिस जो है इसको कोणीय मुखपाक बोलते हैं, जबकि ग्लोसाइटिस को जो है जीवा शोथ कहते हैं, और चेलोसिस को जो है ओस्ट विदर्ता कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था 50 प्रश्न आपके लिए, सबसे अलग और सबसे नए। आपको कैसे लगे मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ओमनीसेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। तो और सभी से आग्रह है कि लाइक बटन जरूर दबाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खासकर, और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।